सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो प्रवी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए रियांश कार एसेसरी जो कि अपना करोल बाग में है हमारे साथ। भाई अपन नाम बताइए अपना। रोहित भाई हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल है। क्या बात है भाई, गाड़ी आ गई पंजाब से, पर प्यार मिल रहा दूर दूर का है। अब पहले प्यार मिल रहा था पास का, अब दूर दूर का है। हाँ। तरक्की ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, बंगाल से भी गाड़ियाँ आती है, वो भी अच्छा, आई है बंगाल से भी। ठीक है, अच्छा माइक है ना, मैं वही पूछ रहा था माइक का है। तो भाई गाड़ी में बात कर लेते हैं, फ्रंट में क्या क्या चेंज कर रहे हो? फ्रंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो देख रहे हो जो बेस मॉडल आती है उसमें आपका बेस मॉडल में ग्रिल प्लेन आता है। ओके, इसमें हमने क्रोम की प्लेसमेंट कर दी है। ठीक है, मतलब उसमें ब्लैक ब्लैक आता सारा। हाँ, ब्लैक आता है, ये चिपकाने वाला नहीं, आफ्टर मार्केट महिंद्रा जेन्युइन क्रोम है जो कि हम नट खोलते हैं उसके बाद प्लेस होता है। चलो भाई, रिप्लेसमेंट पार्ट है। विद प्राइस बनाए इस बार वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रोम लगवाना है तो 1200 रुपये क्रोम लगा के दूंगा, अगर ग्रिल आपको चेंज करना है तो 2500 रुपये करा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। और क्या बात कर ले आगे? इसमें हमने जो हेडलाइट आती है स्टॉक वाली में, उसमें देखो दोनों ही नॉर्मल होते हैं। ओके, उसमें डीआरएल नहीं होती है, ये हमने स्कॉर्पियो क्लासिक S11 वाली हेडलाइट प्लेस कर दी है। ठीक है, आपका एक में प्रोजेक्टर आता है, एक में नॉर्मल आता है जो होता है। ठीक है, डिपर के लिए। अभी इसके अंदर भी टॉप मॉडल में भी हैलोजन ही आता है? हैलोजन ही आता है, कंपनी से भी आपको हैलोजन ही मिलता है। अगर आप लगाना चाहो तो इंडिकेटर की तरफ से लगा सकते हो। ओके, इंडिकेटर LED आपको लगानी पड़ती है, LED बाहर से लगवानी पड़ती है। ठीक है भाई, मतलब रोशनी एक नंबर होती है LED लगवा के। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि बिल्कुल ही सामने वाले को बीच बीच में डिस्टर्ब ना करो। नीचे क्या लगा दिया? हमने जो DRL आता है आपका टॉप मॉडल वो लगा दिया। ओके, और फॉग लाइट नीचे लगा दिया हमने, टॉप मॉडल वाली। टॉप मॉडल वाली फॉग लाइट रहने वाली है, DRL भी टॉप मॉडल वाला ही है। ठीक है, इसमें इसमें वो तो नहीं चलता मैट्रिक्स वाला, वो इंडिकेटर नहीं, वो आफ्टर मार्केट में चलता है, वो ज्यादा सुंदर लगता है। लगता है बट आफ्टर मार्केट चीज होती है। चलो भाई ठीक है, साइड प्रोफाइल में बात कर ले तो उन्होंने लगा दिया है S11 वाले अलॉय। अच्छा, टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील लगा दिए हैं S11 वाले। बिल्कुल ठीक है। ये कितना आता है, 18 इंची? 17 इंची आता है, और बड़ा छोटा टायर है यार। चलो भाई ठीक है, आफ्टर मार्केट में भी होता है, थार वाले भी लगवा सकते हो। थार वाले लगवा सकते हो, अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, लेकिन जैसे मर्जी था तो जो आप चाहोगे वही अब लग जाएगा। है बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को बॉडी पेंट करानी है तो वो कितना खर्चा लेकर चले? 15,000 रुपये पे। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? आपका पूरी तो बॉडी किट जो बाहर की होती है सारी जो मैट में आती है वो, आपका जो आपका आउटर हैंडल होता है वो। ओके, और पीछे तक मतलब पूरे ही आउटर हैंडल आपका इंक्लूड होता है इसमें। अच्छा, जितना भी आपको मैट ब्लैक दिखेगा उसको शाइन ब्लैक कर देंगे। ठीक है भाई ठीक है। ORVM इसमें इंस्टॉल कर दिए इंडिकेटर के साथ? इंडिकेटर के साथ। ठीक है, क्या खर्चा पड़ जाता है? साइड मिरर का आपका आता है फिटिंग के साथ 8,500 रुपये का, और जो फ्रंट की आपकी हेडलाइट है वो आता है 15,500, लेकिन आपके चैनल से अगर सब्सक्राइब दिखाता है तो 15,000 में लगा के दूंगा। आज लग रहा है एनर्जी नहीं है बोलने में, एनर्जी पूरी है यार, बड़ा ढीला बोल रहे हो। ओल है, नहीं नहीं ऐसा कुछ, मैंने पहले ही दिखा दिया दरवाजा, सरप्राइज हो गया। हाँ बिल्कुल, शौक ही हो गया मैं। ये तो दरवाजे प्लेन आते हैं, आपने S11 वाले डाल दिए? S3 आता है उसमें प्लेन ही आता है, S11 में ही आपका टॉप मॉडल जो आता है वो हमने इसमें प्लेस कर दिया। अच्छा, प्लेस कर दिया, क्या खर्चा आ जाता है? बेस टू टॉप कराने पे आपका खर्चा आता है इसका 25,000 रुपये, जो कि पहले 27 था हमने 25 कर दिया। ठीक है भाई, 27 से भाई रेट कम हो ही जा रहे हैं आपके लिए। कस्टमर का प्यार मिलता है, रेट कम होता जाता, फायदा ही है। और क्या इसमें क्या है? हाँ, गाड़ी लाओ, प्यार दो अपना, और ऐसे ऐसे सस्ते बिल्कुल प्राइस ले जाओ लगवा के अपनी गाड़ी के अंदर। वेलकम लाइट लगा दिया स्कॉर्पियो की, सिल्वर और व्हाइट में रहने वाली है। अगर इसके व्हाइट लाइट वाली अदर ऑप्शन लाइट तो ब्लू, ब्लैक और ब्लू में। ठीक है, आओ बार बार पहले आउटर खत्म कर दें। अलॉय व्हील बड़ा छोटा है यार, 17 इंच का जो कंपनी में आता वही लगाया हमने। अच्छा, 17 ही देती है? ठीक है भाई, पिलर लाइट की प्लेसमेंट कर दी है। ओके, जो कि आपका टॉप मॉडल में भी नहीं आता, S11 में भी नहीं आता वो हमने। अच्छा, S11 में, ये तो अपना आफ्टर मार्केट हो गया, आफ्टर मार्केट हो गया। हाँ, ये सुंदर लगता है ना जलने में रात को। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। अगर बैक प्रोफाइल में बात कर लें तो बैक प्रोफाइल में और क्या क्या हम लगवा सकते हैं? इसमें आप रिफ्लेक्टर लगवा सकते हो और रियर गार्ड पीछे लगवा सकते हो, जो कि उन्होंने लगवाया नहीं है। ओके, और इसमें अपना एक डमी वाइपर है। ठीक है, अभी लगेगा, वैसे मैं मना करता हूँ कस्टमर्स लगाने में, वाइपर अगर ऑन कराना है तो ही लगवाओ। डमी वाइपर में ये होता है कि डमी वाइपर का जो ड्रिल होता है वो कहीं और होता है, और जो ओरिजिनल वाइपर का होता है वो कहीं और होता है। अच्छा ऐसा है? हाँ, तो उसमें आपको बाद में अगर आप वाइपर चालू करवाना चाहते हो तो फिर वो वाइपर का जो छेद होता है वो खराब हो जाता है। अच्छा,
फेज ही खराब हो जाता है, फिर तो माई कम ही बड़ा खराब है फिर वो। बिल्कुल, इसलिए मैं कम सजेस्ट करता हूँ कि आप डब्ल्यू वाइपर ना चालू करें। अच्छा भाई, ये तो अपनी मैट्रिक्स अभी जल गई थी। अच्छा, ऐसा कुछ आता है इसका लुक है। ठीक है भाई, ठीक है। इंडिकेटर मैट्रिक्स में रहेगा? बिल्कुल हाँ, मैं स्कॉर्पियो लिखा हुआ आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, ये भी अपना हैंडल पेंट होगा? हाँ, सारा ही, अगर आप बॉडी पेंट करा तो सारा ही पाँचों के पाँचों पार्ट आपके पेंट। ठीक है, कैमरा यहाँ प्लेस हो गया भाई लोगों के नीचे। भाई लो, ये बट खोल देते हैं डिक्की। नीचे मैं देख रहा हूँ फ्लोरिंग कर दी आपने प्रॉपर तरीके से। ये दूसरी वाली फ्लोरिंग करी है ना इस बार? हाँ, हमने लेमिनेशन वाली मैटिंग करी है। अच्छा, आपकी गाड़ी को वाटर प्रूफिंग करती है। ठीक है, पानी गिर गया, कीचड़ लग गया, कुछ भी लगता तो आपकी गाड़ी को मतलब स्मेलिंग से बचाता है। अच्छा, ठीक है। नीचे होता आपका कपड़े वाला कारपेट होता तो आपकी गाड़ी को मतलब बाद में अगर कुछ गिर गया तो स्मेल छोड़ता है, इसमें आपका लाइफ टाइम के लिए गाड़ी होगी प्रोटेक्ट। वो भाई सीट कवर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, मोड़ वाले सीट कवर लग गए, चॉकलेट के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ दूसरा ये डॉटेड है ना? अच्छा, डॉटेड यहाँ पे है। ठीक है, ये ओपन होते हैं क्लोज होते हैं? डॉटेड ही ओपन है वो, ये नहीं कि बस ऊपर से दिखाने को नहीं, ये आर पार वाले। अगर आपकी गाड़ी में एसी चलता तो आपकी फॉर्मिंग भी पूरी ठंडी रहेगी। अच्छा, ठंडी रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है। स्पीकर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं, पीछे वाले ओवर लगा दिए जो पैनल के हम लगाते हैं, 650 वोल्ट। 650 वोल्ट पैनल। ठीक है, कुछ और भी लगा सकते हैं? मिड वेट है? हाँ, मिड भी लगा सकते हो, बट 650 वोल्ट अगर आपने एम्प लगा दो तो 650 वोट का आपका ओवर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है भाई, ठीक। आगे हमने इसमें लगा दिया कंपोनेंट, ओके, रहने वाला पैनल का जो ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ करा दिया, यहाँ पे स्पीकर अपना नीचे आ जाता है। ठीक है, स्पीकर अपना नीचे। फ्लोरिंग पूरी पूरी होती है? पीछे तक पूरी हुई, एक ही लेयर, ये अलग अलग नहीं, हाफ लेयर में होता है, आधी आपकी बीच वाली सीट पे जाती है, बाकी पीछे का अलग, पीछे का अलग, आपको दिखता नहीं हो। ठीक है, फिटिंग करने वाले के लिए भाई थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पे फिटिंग। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले लगा दिए हैं कंट्रोल लगा दिया, स्टीयरिंग नहीं, स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है, क्योंकि S3 में आप लगा सकते हो, जो ओल्ड वाली स्कॉर्पियो उसमें आपका कंट्रोल नहीं लगता, उसमें स्टीयरिंग ही चेंज होता है। ओके, ठीक है, यहाँ कंट्रोल लगा दिए, यहाँ क्रूज लगा दिया। क्रूज एक्टिवेट होता है कैसे? एक्टिवेट नहीं होता। अच्छा, वैसे वीडियो में बोला, हाँ, क्रूज वो डमी होता है, लाइट जलेगा सब कुछ होगा, बट एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो आप इसमें हेडलाइट ऑन कर दे, लाइट जल रहा है ब्लू, ये बंद करूँगा तो नहीं जलेगा, जल रहा है वो, गेट पे होगा, गेट पे। बैटरी कोई नहीं, कहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, ये लाइट जल रही है, अब बंद हो गया, बंद हो गई। इसका चाबी हटाओ, हाँ बस ये बंद हो गई, रहन दो, बंद हो गई यहाँ से, भाई चालू होगी अपनी, वो देखो। ठीक है भाई, ओके, वो बैटरी डाउन होगी ना? बिल्कुल हाँ, स्टार्ट नहीं करते ना आप, अंदर बैठ बैठ के न्यूट्रल है, स्टार्ट कर दो, पता चले फिर धक्का लगाना पड़ेगा। नहीं अभी होएगी नहीं, न्यूट्रल है ना वैसे, देखो। हाँ नहीं, ए रहन दो अभी, न्यूट्रल नहीं है, रुक जाओ, कोई नहीं बाद में कर लेंगे, यहीं से होता है। यहाँ से ऑन करोगे तो भाई लाइट आ गई, यहाँ से बंद करोगे तो भाई लाइट गई। ठीक है भाई, सिस्टम यहाँ पे पूरा खुला हुआ है। वायरिंग काटी तो नहीं ना कोई? नहीं, वायरिंग कपलर टू कपलर, जैसे हम दिखाते हैं एंड्रॉइड की वीडियो देखो, चाहे किसी भी गाड़ी का हम कोई काम करते हैं उसमें कपलर आता है, तो कपलर टू कपलर ही फिटिंग होता है उसमें। ठीक है, इस बार मीटर चेंज नहीं किया? मीटर चेंज हो गया, रीडिंग होने गया था, रीडिंग होकर आ गया। अच्छा, रीडिंग होती है? हाँ बिल्कुल, जो पुराने वाला अगर लगाएंगे तो आपका गाड़ी उस तरीके से प्रॉपर देखे तो वर्क नहीं करता, इसलिए मीटर की रीडिंग होती है। क्या बात है भाई, ठीक है। ऊपर सनग्लास होल्डर लगा दिया हमने। ठीक है भाई, ओके। कितने रुपए का रहने वाला है ये? अपना अगर बेस टू टॉप कराते तो 2800 रुपए का आपको प्लेस करके मिलता है। 2800 रुपए का प्लेस करके? ठीक है, ओके भाई। एंड्रॉइड लगा दी 9 इंची की, 360 भी लगा, ये आपका 360 नहीं लगाया, नहीं है 360 सपोर्ट के साथ रहता है, अगर फ्यूचर में अभी कभी आपको लगवाना हो तो 360 भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्या बात है भाई। भाई देख लो, कोई भी तार यहाँ पे कट नहीं रहने वाली। हाँ, ये जो भी वायरिंग हमारी है, जो कंपनी की वायरिंग है, कहीं से भी कुछ भी नहीं कटी, वो सीधा प्लेसमेंट हुई है भाई। ये हमने अपने ये वाली कंपनी की है, ये वाली रैप वाली हमने अटैच कर दिया, ये वाली अपनी है। और ये जो ये सेपरेट देख रहे हो ना जहाँ पे कटिंग है, ये भाई अपनी डली हुई है। हाँ, हमारी अपनी। हाँ, कंपनी में यहाँ कोई छेड़छानी नहीं रहने वाली। तो भाई सीट कवर आप देख सकते हो, ये गाड़ी थोड़ी पैक कर लेते हैं फिर मिलते हैं ना। बिल्कुल, थोड़ा सा हो जाए ना, मजा आ जाए बिल्कुल। हाँ, अभी स्वाद आ गया। बाकी पीछे का आप सीटों का फिनिशिंग दिखा सकते हो, फिटिंग की फिनिशिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ठीक है भाई, फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, साफ सफाई करके फिर आपके पास मिलते हैं दोबारा। ठीक है रोहित भाई, ऐसा ना मजा नहीं आ रहा थोड़ा, बीच बीच मजा आ जाए ना, पता लगे अभी स्कोर पे तैयार हुई है। हाँ, काम होते हुए दिखता ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ चलो भाई, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक, बाय बाय। तो भाई गाड़ी हो चुकी है हमारी कम्प्लीट, महिंद्रा स्कॉर्पियो SAS 11। तो भाई गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी पंजाब जाने के लिए है। हाँ, बिल्कुल यार, बॉडी कलर रह गया, बाकी तो सब ओके था गाड़ी के अंदर। वही कराऊंगा अपने कंपनी में कराऊंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। चलो भाई ठीक है, करते हैं फिर वीडियो एंड। तो बताइए अपना एड्रेस। आपको आना है रियांस कार डेकोरेशन, करोल बाग,
झंडे वालान मंदिर से मेट्रो से आपको नीचे गफारी तरफ उतरना और सामने धनलक्ष्मी बैंक है उसके सामने आपको रियांस कार्डो से मिल जाए। ओके ठीक है, बताइए कॉन्टैक्ट नंबर 4994410089 एक बार रिपीट करो 4994410089। ठीक है भाई, अगर किसी को भाई ये वाला काम कराना अपनी गाड़ी के अंदर तो करते हैं भाई वीडियो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन बाय, चंगा जी।